एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टीटू चीकू। मैं हूं आपके साथ आपका चीकू, और इस ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ब्लॉग के अंदर हम आपको दिखाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड जो प्रिपरेशन मैं करने वाला हूं। तो अभी फ़िलहाल मैं जन्माष्टमी से 3 दिन पहले से मैं तैयारियाँ चालू कर दे रहा हूँ, बिकॉज टाइमिंग इशू रहेगी और मैं अगर इकट्ठा लेके बैठूँगा करने का तो वो मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही एक एक काम जो है क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ी आसानी हो और अच्छे से सब कुछ रेडी हुई हो जाए और साथ में काम भी मेरा ना रुके। सो आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जन्माष्टमी का प्रिपरेशन मैंने चालू कर दिया है, क्योंकि ऑफिस का भी काम रहेगा और उसी में से मुझे टाइम निकाल के ये सब कुछ रेडी करना होगा। अभी मैं फ़िलहाल फ्री हो गया हूँ अपना काम ख़त्म करके, और अभी थोड़ा देर मैं इसका सेटअप तैयार कर लेता हूँ। बाकी डेकोरेशन वगैरह जो है कल के दिन करूँगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही करके ये कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल थर्माकोल से एक सेटअप तैयार कर लिया है, बाकी ये रैक रख दिया है 3 फ्लोर का। इसके ऊपर अब हमारे जो है बाल गोपाल विराजमान होंगे झूला में, तो रेडी होने के बाद वो आपको दिखेगा। और रूम में कहीं भी जगह नहीं थी तो यही कॉर्नर हमें ठीक लगा, बिकॉज़ इधर तो बेड है और दूसरे साइड अलमीरा है और इधर ये बड़ा सा विंडो, तो ये स्पेस हमें खाली दिखा, हमने यहीं पे सेटअप तैयार कर दिया है। सो गाइज, आज इस ब्लॉग का है दूसरा दिन और आज मैं ये दिखा रहा हूँ। कल देखो जो मैं थर्माकोल का ये सेटअप पूरा लगा रहा था, और अभी इसको कल रात में मैंने बैठ के कलर किया है। अभी फिर भी पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हुआ है, अभी इसमें कहीं कहीं बाकी है, जैसे कि इधर का एरिया। वैसे इधर का नहीं भी किया जाए तो चलेगा, क्योंकि हमें सामने से और इस साइड से हमें चाहिए था लुक, तो इधर दोनों साइड से ये कलर हो चुका है। पर देखते हैं टाइमिंग के हिसाब से, अगर हमें समझ में आया और कलर बचा रहा तो हम कर देंगे, क्योंकि अभी हमें एक दो जगह और भी कलर करना है, कलर थोड़ा सा ही बचा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इतना रेडी कर दिया, अभी इस पर डेकोरेशन वगैरह होनी है थोड़ी बहुत। इस पर मैं नक्काशी करूँगा, नक्काशी बोला जाए तो मिरर वगैरह स्टोन वगैरह लगाऊँगा, तो वो बाद में अब मैं इसका लुक दिखाऊँगा आपको कि रेडी होने के बाद कैसा लगता है। अभी फ़िलहाल मैं अपना काम करने बैठ रहा हूँ, तो अब सीधा इसमें मैं टाइम दे पाऊँगा शाम के टाइम। सो गाइस, दरबार का अभी फ़िलहाल ये लुक है जो अभी तक मैंने रेडी किया है। मैंने जो थर्माकोल का सेटअप पूरा तैयार किया था उसको मैंने कलर वगैरह करके और उस पर ये मिरर का थोड़ा बहुत कलाकारी कर दी है, और जो भी मुझे समझ में आया जिस तरीके से मैंने अभी इतना तो कर दिया। अभी पूरा कर्टन्स वगैरह लगेंगे, ये सब कवर होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये 3 फ्लोर का, और पीछे जो है सारी लड़ियाँ लगेंगी ये फूलों वाली, ये सारी मैंने निकाल के रखी है, सब फैलाया हुआ हूँ। और ये देखिए ये झूला जो मैंने पिछले साल बनाया था उसका क्या हाल हुआ है, एक तो ये गंदा हो गया है और इसको मुझे शीट वगैरह इसकी चेंज करनी होगी, देखता हूँ अगर साफ़ हो जा सकती है तो साफ ही कर दूँगा। और बाकी ये सब इसमें से जो घंटी वगैरह लटक रहे थे ये सब निकल गया है, टूट गया है, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ था और वहाँ पे सामान के पीछे दब गया था। और ये भी थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको मुझे स्टैंड लगा के अभी एक साइड तो चिपका दिया है, ये देखो पेंसिल की कटिंग करके इसको थोड़ा सा मुझे ना ऊपर की तरफ उठाना होगा, सब निकल रहे हैं एक एक करके। और ये ब्लैक भी हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना चेंज कर दूँ, इसमें न्यू ब्रश जो है मेरे पास ऑलरेडी, ये सारे मैं ये सब लगा दूँ। गाइज, अभी तक आप जितना भी देख रहे हो इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है, मैं अभी तक कुछ भी ख़रीद के नहीं लाया हूँ, सब मेरे पास पहले के रखे हुए हैं, सब बचे हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों से मैं इसको रेडी कर रहा हूँ। देखते हैं अगर कुछ कम पड़ता है तो ही लेना पड़ेगा, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं कम पड़ा है, सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आज है संडे यानी कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले, तो आज
पूरे घर की साफ सफाई होनी है, बाकी सब तो मैंने क्लियर कर लिया। किचन, अभी ये मंदिर मैंने देखे खाली करके, यहाँ भगवान जी को रखा है। बाकी इनके जो ड्रेसेस वगैरह हैं, आसन वगैरह, वो सब मैंने धुल के बालकनी में डाल दिया है। बाकी किचन एरिया थोड़ा बहुत क्लीन करना रह गया है, जैसे कि ये पूरा रैक, ये डिब्बी डिब्बे, इन सबको क्लीन करना है। और बाकी ये स्टैंड वगैरह वॉश करके एक बार रख दूंगा। और बाकी मैंने फ्रिज क्लियर कर लिया, नीचे भी सब कुछ क्लीन कर लिया है, गैस वैस सब धुल लिए हैं, पूरे टायर्स वगैरह सब धुल लिए हैं, सब क्लीन हो गया। और ये तो रहा, मैंने आपको कल दिखाया था, अभी जो जितना रेडी है उतना ही है। कल रात में मैं इतना ही कर पाया था, थक गया था, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज अभी से फैलाने का कोई मतलब नहीं है। ये साइड में था तो मैंने इतना सेटअप जो है लगा लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से ये बाउंड्री वॉल होगा तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो इसको स्पेस मैं आज शाम से करूँगा, बिकॉज़ अगर आज शाम से मैं करूँगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो फिर आने जाने में भी थोड़ा इजी रहेगा किचन में। इसको मैं हटा दूँगा क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस घेर लेगा। और भगवान जी का भी, कपड़े सूखने के बाद भगवान जी को भी सब रखना है। बाकी रूम में भी सब क्लीन ही है, अलमीरा वगैरह सब क्लीन कर दिया है। भाई जन्माष्टमी है, फेस्टिवल है, तो भगवान श्री कृष्ण का आगमन होगा तो घर साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। कर्टन्स वगैरह भी धुल लिए, बहुत काम था गाइस, कल मैं बिल्कुल थक गया हूँ, कल मैं बिल्कुल थक गया था। आज तो बहुत ज़्यादा काम है, बिकॉज आज हमें मार्केट से सारे जो है कृष्ण भगवान के वस्त्र, आभूषण वगैरह, और उनके बैठने के लिए आसन, और मोतीचूर के लड्डू, फ्रूट्स वगैरह सब हम आज ही लेंगे, बिकॉज हमें कल टाइम नहीं मिलेगा। और फिर पंचामृत और रामदाना वगैरह जो कि भोग में चढ़ेगा उनका, वो सब मुझे बनाना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज ही, और कल मेरा और टीटू का फास्ट भी रहेगा, तो कल थोड़ा मूंगफली का दाना वगैरह जो भी व्रत में खाने लायक चीज़ें होंगी, तो वैसे तो हम रात में ही खाएंगे डायरेक्टली जन्म के बाद, दिन भर तो हमारा फास्ट ही रहेगा, तो वही मूंगफली का दाना ही लेना है। बाकी आलू तो है ही, आलू बॉयल करके फ्राई करने का सोच रहा हूँ, तो वो कल करना है, अभी तो कुछ करना नहीं है। मूंगफली का दाना वगैरह यही सब ले आके आज भून वगैरह भून के रख दूंगा, क्योंकि कल जो है बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है। आज ये है कि मैं फ्री हूँ, ऑफिस का वक्त नहीं है, आज संडे है, तो मैं इजली सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी मैं फटाफट काम पे लग जाता हूँ, बाद में बात करते हैं आपसे। है एवरीवन, घड़ी में अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1:30, और इस समय मैं काम पे लगा हुआ हूँ। ये देखिए, आप सबको मैंने ये सब दिखाया नहीं था, ये जो मैं कल बोल रहा था कि बेल्स वगैरह उसके काले हो गए थे पिछले साल वाले, तो मैंने उसको देखे चेंज करके ये न्यू बेल्स लगा दिए। अभी इसका थोड़ा लुक अच्छा लग रहा होगा आप सबको भी, मुझे तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। और झूला भी जो हिल रहा था उसको भी मैंने सेट कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट देके दोनों साइड से, बट अभी भी यहाँ से एक एक सपोर्ट देना बाकी है। मैं आपको दिखा नहीं सकता ये ऐसे झूला, क्योंकि खाली झूला झुलाते नहीं हैं, तो यहाँ से ना इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और वो टीटू आएंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि मुझसे वो नहीं लग पाएगा भाई अब। और इधर ये मैं कॉटन से कवर कर रहा हूँ ये एरिया पूरा, इसको मैं एक थोड़ा सा जंगल सा लुक देना चाह रहा हूँ। देखता हूँ वैसे क्या इसमें बनाते हैं, मंदिर या क्या कुछ भी देखते हैं। और नीचे ये कारागृह है, मथुरा का कारागृह, जिसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ये एक छोटा सा कारागृह का लुक मैं दे रहा हूँ। और बाकी ये जो स्पेस आपको अभी खाली दिख रहा है, ये अभी पूरा बाउंड्री वॉल बनेगा, यहाँ पे गेट बनेगा, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत बनेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। भूख लगी है अभी मुझे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और ये लाइट्स वगैरह भी लगाने हैं, अकेले लगा नहीं सकता हूँ, टीटू जी ऑफिस के हुए हैं, राजीव जी घर पे हैं, तो राजीव जी को मैंने बुलाया, वो खाना खाने के बाद आएंगे, फिर उनके हेल्प लेके हम दोनों मिलके इस झालर को जो है सेट करेंगे। और ये फूलों की लड़ियाँ वगैरह देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कवर करना है कैसे नहीं, तो वो सब हम लगाएंगे। जो झूला है इसको ना मैंने सारे वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया था, जैसे कि मिरर होता है प्लास्टिक वाले मिरर, तो उसका कांच टूट गया था, तो उसके फ्रेम वगैरह से बॉक्सेस वगैरह, और ये जो आप
ये पिलर्स देख रहे हो साइड साइड में, ये सिल्वर फॉयल का जो रोल होता है ये वो चीज़ है। आपको अगर इसको डिटेल्ड में देखना हो कि मैंने इस चूल्हे को कैसे रेडी किया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा जो कि मैंने पिछले साल के चूल्हा बनाया था, और मैंने वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आप जाके देख सकते हो कि ये चूल्हा कैसे मैंने रेडी किया था, कितना दिमाग लगा के। और अभी मैं वैसे ही एक और चीज़ रेडी करने वाला हूँ। यू नो वॉट, मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वेस्ट चीज़ों से ही मैं बना लेता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे कि ये मेरे पास थर्माकोल पड़े हुए थे, तो मैंने बस दिमाग में था नहीं कि कैसे क्या करना है, बस मन में आया, जैसे भी फिट करता गया, फिर डिज़ाइन पूरा लुक आई गया आखिर में। मैं कुछ सोच के नहीं रखा था कि हाँ मुझे ऐसा रेडी करना है। अभी मैं वैसे ही एक, मेरे पास ये दो रोल और पड़े हुए हैं सिल्वर फॉइल के, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि गेट बनाने का। अब देखना आप, मैं गेट कैसे रेडी करता हूँ। ये देखिए थर्माकोल के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, तो इसकी हेल्प लेके और इस सिल्वर फॉइल के रोल के हेल्प लेके मैं गेट बनाऊंगा, एंट्री गेट। गाइस ये देखिए, ये मैंने बाउंड्री वॉल के लिए बनाया हुआ है। आपको ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये लगने के बाद आपको समझ में आएगा। और ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। मीन जो रील का धागा होता है, उसके जो खाली खोखे होते हैं, ये वही चीज़ है। तो उस पे मैंने ये स्पार्कल टेपिंग करी हुई है और उस पे एक मोती लगा दिया है। उसका बहुत ही बेनिफिट है इस मोती का जो मैंने लगाया हुआ है, बिकॉज़ इसी से तो बाउंड्री वॉल बनती है। वो जब लग जाएगी तब आपको मैं दिखाऊंगा। और ये ऊपर बेल एक है, उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया है। ये जब लगता है ना, तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, मीन ये पिलर हो गया, खंबा हो गया, और ऊपर ये लाइट है, लैम्प, तो ये बिल्कुल वैसा लुक आता है। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी पिछले साल का ही है। ये भी मैं उठा के रख देता हूँ एक कार्टून में पैक करके सारा सामान। तो मेरा ये है जन्माष्टमी का पूरा, और ये है मेरा जो मैं कलाकारियां करता रहता हूँ। ओ माय गॉड, क्राफ्टिंग का मेरा सारा सामान, किट वगैरह सब इसमें है, जो भी है, बहुत थोड़े ही सामान। ये देखिए आपको मैं ये बोर्ड्स वगैरह भी दिखाता हूँ। ये भी मैंने पिछली बार ही रेडी किया था, तो ये सब भी है। वृंदावन गोवर्धन, ये मैंने कलर किया हुआ था एक हार्ट शीट पे, बट ठीक से उस टाइम ब्रश नहीं चल रहा था तो अजीब सा हो गया है। और ये वाइट कलर नहीं है, दिख रहा है वाइट, बट ये सिल्वर कलर है, स्पार्कल, तो ये रात में ना शाइन करता है बहुत अच्छा। ये सब साइड में रख देते हैं और ब्लॉक को हम थोड़ी देर बंद करते हैं, नहीं तो ना मेरा कुछ भी रेडी नहीं हो पाएगा गाइस। गाइस राजीव आ चुके हैं और काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। इनकी हेल्प से मैंने लाइट्स वगैरह सारा लगा लिया है, और अभी हम गोवर्धन पर्वत जो है बनाने में लगे हुए हैं। तो राजीव ये रूई से जो है कवर कर रहे हैं अंदर का पोर्शन। इसके बाद हम मार्केट के लिए निकलेंगे। टीटू आने वाले हैं थोड़ी देर में ऑफिस से, उनके आने के बाद हम मार्केट निकलेंगे। सारा पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, कृष्ण भगवान के सब कुछ लेके आएंगे दिन। क्या हुआ? सो गाइस, हम लोग मार्केट से आ गए हैं। सारी पूजन सामग्री, वस्त्र, आभूषण, जो जो भी चाहिए था हम वो सब कुछ लेके आ गए हैं। तो हम आपको एक बार दिखाते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। उठ के बैठिए, ये देखिए, ये दोनों वहां से पड़े हुए हैं, थक गए हैं, और दोनों आते ही सिर्फ मोबाइल में घुसे हैं। लोगों को ध्यान भी नहीं है कि पानी पीना है या क्या मैं ले आके दिया हूँ, तो पिए हैं। उठ के बैठिए, थोड़ा थक गए मुझे भी खाना है, उठ के बैठिए। भगवान जी का सामान निकाल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं उठ के बैठिए। सो गाइस, टीटू भी आज जल्दी आ गए थे। हाय स्टेटू, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, आसन है, आसन है, और क्या हम लोगों ने, छठी के लिए है, ये छठी के लिए पगड़ी लिया हुआ है हम लोगों ने, ये और
ये कल जन्म में भी पहनेंगे, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें ये मोती का ये तीन लरी लटक रही है, काफी अच्छा लग रहा है ना ये राजी। और सारा हमने इस बार मैचिंग कर लिया हुआ है, सब कोशिश किया कि ब्लू ब्लू ब्लू। जब कपड़े हमने देखे, कपड़े ये देखे, तो कपड़े के अकॉर्डिंग हम ब्लू के कॉम्बिनेशन पे माला और ये तो मोरपंख है और ये बांसुरी उनकी और ये हाथ के कड़े ब्लू और ये पगड़ी। पगड़ी बहुत प्यारी लग रही है, लगा दो तुम उसमें। थु 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 थु। और बाकी ये सब फल फ्रूट हैं, ये पांच तरीके के फल। और कहाँ सेब कहाँ गया, अनार कहाँ गया? सेब और अनार किधर है? अनार मैं फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिए, लाते ही तुम फ्रिज में घुसा दिए। चलो कोई बात नहीं, तो यही सब है गाइस। चलो बाकी के और क्या है इसमें, इसमें तो ये एक पगड़ी है और ये वाले वस्त्र हैं एक। ये सब तो ये छठी के लिए लिया हूँ, ये सब रख दो। सो गाइस सुबह से शाम हो गई और इतनी मेहनत के बाद अभी भी ये पूरा रेडी नहीं हो पाया है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन नगरी अभी हम पूरी तरीके से डेकोरेट नहीं कर पाए हैं। इसको रख दे रहा हूँ, कल अब लगाएंगे। हाँ इसको रख दो, कल लगाएंगे। और ये देखिए राजीव की हेल्प से गोवर्धन पर्वत, हमने एक विशाल काय पर्वत खड़ा कर दिया है। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है वृंदावन नगरी का। और इधर आपने देखा ही था जैसा कि कारागृह है और ये सारे हैं। और लाइट्स वगैरह लगने के बाद एक बार राजीव लाइट ऑफ करना, इधर से देखें जरा कैसा लगता है लाइट ऑफ होने पे। सारे किचन वाले भी सो देखिए, लाइट बंद होने के बाद हमारी ये वृंदावन नगरी जगमगाती हुई। मैंने अपने कमरे के अंदर ही वृंदावन नगरी को बसा दिया एक छोटी सी। अभी इसमें बहुत सारे डेकोरेशन बाकी हैं जो अब हम कल करेंगे, बिकॉज अभी हम मार्केट गए हुए थे और हम शॉपिंग करते करते सारा थक गए हैं, तो अभी हम कल करेंगे बाकी का। ए अभी पूरे लाइट जल रहा है, एक लाइट नहीं जल रहा है। हाँ एक लाइट और जलाओ, जल तुमने एक बंद ही कर दिया जो जल रहा। ये पहाड़ वाला अभी ये पूरा जल रहा है, अब पहाड़ वाला बंद है। हाँ अब नीचे वाला बंद हो गया। हम आपको कल रेडी होने के बाद आपको ये पूरा लुक दिखाएंगे इस वृंदा नगरी का। जा रहे हो? ओके तो दीप जी घर जा रहे हैं, बाय बाय, आ जाना कल, ठीक है? प्रसाद बनवाना है, आ जाना टाइम से। सो गाइज हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते एंड। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस जो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे आपके स्क्रीन पर। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपनी पूरी जन्माष्टमी का सेटअप और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की पूरी झलक। कल हम सुबह से शाम तक, शाम से लेके जन्म महोत्सव तक क्या क्या करने वाले हैं आपको वो इसके नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।